अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैर से होंगे, आफ़ियत से होंगे। अपनी खुशियों में ऐसे लोगों को तलाश किया करें जिनसे कोई ईद नहीं मिलता, जिनको कोई ईद मुबारक नहीं कहता, जिनसे कोई सलाम नहीं लेता। अपनी खुशियों में ऐसे लोगों को ज़रूर शामिल किया करें, वो आपका वेट कर रहे होते हैं कि कोई आएगा और हमें ईद मुबारक कहेगा। यकीन जाने जब आप उनसे ईद मिलते हैं तो उनका दिल खुशी से भर जाता है और आप महसूस करेंगे अल्लाह आपको एक ऐसा सुकून देता है जो कि सुकून किसी चीज़ में नहीं है। जब आप ऐसे लोगों से ईद मिलते हैं, अपनी खुशियों में ऐसे लोगों को ज़रूर शामिल किया करें, आपकी खुशियां अल्लाह दुबाला कर देगा। बहन है, मैं अपनी बहन से मिलने आता हूँ, हर ईद के ईद आता हूँ और वैसे भी खुशी गमी पे आता हूँ और इसकी दुआएँ लेता हूँ। इसकी दुआएँ मेरे साथ हैं और ऐसे कई लोगों की दुआएँ मेरे साथ हैं। और अभी मैं आया हूँ तो इसने मेरे लिए बोतल मंगवाई है और बोतल और इसने मेरे लिए बोतल में मैं और अपने किराना है और चीज़ सोते रखती है और रात को सर्दी में बाहर सोती है और अल्लाह की नेक बंदी है और अल्लाह की पेश बंदी है। ऐसे लोगों को तलाश किया करें अपने खुशियों में, उनसे दुआएं करवाया करें, अल्लाह उनकी दुआएं बड़ी कबूल करता है। और हजूर के हजूर ने फरमा बाज़ औक़ात ऐसे लोग होते हैं, हदीस का मफहूम है, जिनसे लोग सलाम नहीं लेते, जिनको लोग बुलाते नहीं हैं, लेकिन अल्लाह के यहाँ उनका ये मकाम होता है कि वो हाथ उठा दें, अल्लाह उनकी दुआ को रद्द नहीं करता। ऐसे लोगों को तलाश किया करें। तो बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आपके साथ ऐसी वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम। हाँ।